नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने आज ताड़ीखेत में एक प्रेस वार्ता कर अपने एक साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर भतरौज खान भिक्यासैन बद्रीनाथ और रामनगर भतरौज खान रानीखेत खैरना मोटर मार्ग का डबल लेन डामरीकरण चौड़ीकरण को और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को लगभग 1.5 लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक अनुरोध पत्र उच्च नेताओं को भेजा जाएगा। इससे पहाड़ों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये मार्ग देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी चीन और नेपाल की सीमाओं तक जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मोटर मार्ग ब्रिटिश काल से ही धार्मिक पर्यटन में चारधाम बद्रीनाथ जाने के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है। इस मार्ग में आदि बद्री, जोशीमठ, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थल पड़ते हैं। वर्तमान में इस मोटर मार्ग की हालत बड़ी खराब है। इन सड़कों को विधिवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने और डबल लेन डामरीकरण से पहाड़ों तक धार्मिक पर्यटन और रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे पलायन रोकने में भी बड़ा योगदान होगा। आज के हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, एक तो प्रमुख रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा जिस प्रकार सख्त नकल विरोधी कानून को बनाया गया है, यहाँ की प्रतिभाओं की प्रतिभा का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा था, जिस प्रकार नकलची लोग, जिस प्रकार एक संगठित गिरोह यहाँ पर यहाँ के प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं थी उनके हितों के साथ कुठाराघात कर रहा था, उसको रोकने का जो प्रयास किया गया उसके लिए उनको धन्यवाद करने के लिए, और जो हमारा धर्मांतरण विरोधी कानून है उस पर जो सख्त कानून बनाने के लिए हम उनको धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ये खबर तैयार की है रानीखेत से हमारे संवाददाता बलवंत रावत ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।